भानु सिंह में टेलीफोन एक्सचेंज के पास, जहाँ पर 52-53 साल से शॉप चल रही है, बीघे कुलचे की, चावल की, मट्टी चने की, और पंडित ब्रह्म दत्त कुलचे वाले के नाम से काफ़ी फेमस है। और आपको दिखाते हैं उन्होंने कार्ड से, देखिए कितनी बढ़िया दुकान और अपनी शॉप बनाई है। कार्ड में लोकेशन देखिए, पहले से अगर आएंगे तो कटरा जयमल सिंह से आएंगे, तो टेलीफोन एक्सचेंज के जाना होगा तो रास्ते में उनकी शॉप है, बहुत ही आसान है। और बोल रहे कितनी देर होगी आपकी यहाँ पे? मेरे कार्ड लगाते कार्ड लगाते थे, कार्ड से आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है, शॉप बनाई है, ये सेटअप काफ़ी अच्छा बनाया आजकल जो चलता है, और 53 साल हो गए हैं शॉप को। ठीक है, उनका नाम क्या था? श्री ब्रह्म दत्त शर्मा जी। और अब आप दूसरी पीढ़ी काम, ठीक है, आपका नाम क्या है जी? मेरा पंकज शर्मा जी। और आपके पास वैरायटी कौन कौन सी है? मेरे पास रहते हैं जी राइस चना रहता है, मक्की चना रहता है, ठीक है, चने हैं, ठीक है, हमारी सारी बीघा कुलचा है, ठीक है, और सूखा वगैरह भी दे रहे थे जैसे, ठीक है, उसका सेक ही देते हैं, ठीक है, वो लगाया हुआ आप। और कितने की प्लेट है? मेरे पास प्लेट होगा 25 रुपये का, अलग अलग रेट होगा ना। चावल की प्लेट कितने की है? चावल की प्लेट हमारा 15-20 रुपये, जितना भी किसी ने लेना था। तो मट्टी की 25 रुपये की। और चटनी वगैरह दिखाएँ कौन कौन सी है आपको? ये हमारे पास चटनी रहती है, देख देने की इमली की चटनी खट्टी वाली होगी ना जी, बिल्कुल। और स्पाइसी के लिए मिर्ची है, मिर्ची अदरक रहता है जी, किसी ने डलवाना हो तो ये आलू है, ठीक है, वो प्याज है, प्याज है सैलड में, ठीक है। चटनी हमारी यहाँ पे स्पेशल है, ठीक है। चने दिखाएं अपने, जरा थोड़ा हिला सिंपल तरीके से चने बने हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। उनका कलर भी लाइट है, ये तो डार्क ही होते हैं, ब्लैक कलर के लाइट चने बने हैं। और कौन से चने इस्तेमाल किए आपने? ये हमारे पास रहते हैं अपना $2 के, ठीक है, भट्टी वाला कुलचा कुलचा भी आपका सॉफ्ट है और थोड़ा बारे बन में है, अच्छा है कुलचा। ये हमारे पास मट्टी रहती है, ये फूल मट्टी रहती है, एक प्लेट फूल मट्टी रहती है, ठीक है जी। तो चावल कौन से बनाए आपने? ये बासमती चावल, जीरा राइस, ठीक है जी। बैठने के लिए भी अच्छी जगह बनाई हुई है आपने, अंदर बैठ के आराम से, टूरिस्ट वगैरह या शहर का कोई भी खा सकता है, पैकिंग वगैरह भी कर देते हैं, पैकिंग भी हो जाती है, जोमेटो भी अवेलेबल है, कितने बजे शुरू कर देते हैं सुबह? 10:30 से लेके 7 बजे तक, 7:30 से 7 बजे तक। चने में डिप कर दिया, कितनी देर में तैयार हो जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में, पहले ही सॉफ्ट है और जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल। ये प्लेटिंग हो गई जी, ये भी प्लेट में आ गया, ऊपर चने डालेंगे, चने भी चने काफ़ी बढ़िया चने हैं इनके, देखिए मुँह में पानी आ रहा है। ये मिर्ची नहीं डालनी, ये खट्टा डाल दें, ठीक है, इमली वाली चटनी आ गई जी, पुदीने वाली चटनी, ठीक है, ये प्याज आ गया, सैलेड आ गया, ये आंवला आ गया, ठीक है। और ये प्लेट कितने की तैयार होगी जी? 20 रुपीज़ की, 20 रुपये की प्लेट तैयार होगी। और देखिए कितना बढ़िया उन्होंने सजा के दिया, और साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप इधर कटरा जयमल सिंह में आएँ तो ब्रह्म दत्त जी की शॉप पर जरूर आएँ, सुबह 10-10:30 बजे काम शुरू हो जाता है, शाम के 7-7:30 बजे तक रहता है, छुट्टी कोई नहीं। तैयार कर दिया है, काफ़ी साफ सफाई से इन्होंने सेटअप लगाया हुआ अपना, तो ये देखे बिल्कुल सॉफ्ट है, चम्मच लगाते टूट गया, और चने भी इनके बिल्कुल लाइट है, कोई कलर वगैरह नहीं इन्होंने डाला, बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार किए हैं। इसके ऊपर इन्होंने इमली की पुदीने की चटनी डाली है, प्याज डाली है, आंवला दिया है, और साथ में ये प्लेट है, और बैठ के अगर खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं, पैकिंग वगैरह भी कर देते हैं, और इसका हम टेस्ट करते हैं, ये प्याज आ गई, कोई भी वैरायटी ले लें, बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है सारा सामान,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।